नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम चौधरी हूँ। मेरे चैनल आर्यन कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि बिटबकेट को AWS कोड कमेंट से कैसे कनेक्ट करते हैं और S3 में डेटा कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले बिटबकेट में अकाउंट में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जैसा करते हो रेपो बना सकते हो। रेपो बनाने के बाद आप, मैं S3 दिखा देता हूँ। मेरा ये S3 खाली है, देख ले, कुछ भी डेटा नहीं है। कोड कमेंट में मैं पाइपलाइन बनाऊंगा, पाइपलाइन पे चलते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं पाइपलाइन। पाइपलाइन नेम लिखता हूँ मैं जी, बिटबकेट BITBKET पाइपलाइन। ये आपको टेस्ट ये करना है, एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है, डिफॉल्ट लोकेशन नेक्स्ट करना है, सोर्स प्रोवाइडर आपको यहाँ पे बिटबकेट लेना है। अभी आपको ये कनेक्ट करने के बाद आपको कनेक्ट टू बिटबकेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कनेक्शन नेम डालना है, माय प्रोजेक्ट कनेक्ट टू बिटबकेट। ये हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, ये मैंने पहले बनाया इसके लिए दिख रहा है आपको। यहाँ पे इंस्टॉल न्यू ऐप पे क्लिक करना है, तो ये ऑप्शन आएगा, ग्रांट एक्सेस करना है। ये देखिए, ये क्रिएट होगा प्रोजेक्ट, कनेक्ट करना है। रेडी कनेक्ट आ गया। रिपोजिटरी यहाँ पे आपको लेना है, मेरा कोड बिल्ड रिपोजिटरी जो है वो ब्रांच मेन या मास्टर, मास्टर ले लो, मेन ले लो, जो भी है आपका। अभी नेक्स्ट करना है, बिल्ड प्रोवाइडर एक बार आपको स्किप करना, पुनः S3 में डिप्लॉय करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बिल्ड कैसे करते हैं। डिप्लॉय आपको S3 लेना है, S3 जो अपना रेगुलर वाला वो प्रोड वाला एक्सट्रैक्ट बिफोर एडिशनल में चैनल SCL पब्लिक रीड नेक्स्ट। और ये देखिए, आप डिटेल देख सकते हो रिव्यू। अब क्रिएट करना पाइपलाइन, ये देखिए पाइपलाइन क्रिएट हो गया, रन हो रहा है। देखिए सोर्स बिटबकेट कंप्लीट हो गया जस्ट नाउ, डिप्लॉय हो रहा है S3 में। ये देखिए डिप्लॉय हो गया S3 में सक्सेस जस्ट नाउ। अभी S3 में चलते, कुछ भी नहीं, मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए डेटा आ गया फरवरी 21। तो गाइज, इस तरह से आप बिटबकेट से कनेक्ट करके AWS S3 में डिप्लॉय कर सकते हो आपका डेटा, और S3 से वेबसाइट होस्टिंग करके आपका लाइव हो सकता है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए।